खबर राजधानी के ब्रह्मपुरी थाना इलाके से है, जहां तीन बदमाश एक व्यापारी के मकान को निशाना बनाते हुए 3 लाख रुपए नकदी और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। ये वारदात दशहरा की कोठी इलाके निवासी व्यवसाय शिखर चंद जैन के मकान पर हुई। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब शिखर चंद और उसकी पत्नी मंदिर गए हुए थे। बदमाशों ने घर में घुसकर नौकर घासीराम को बंधक बनाया और इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो निकले। जैसे तैसे घासीराम मकान से बाहर आया और पड़ोसियों को इस लूट की वारदात की जानकारी दी। सूचना के मुताबिक ब्रह्मपुरी पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और इसी के पक्ष में नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन बदमाश अभी तक पकड़ में नहीं आ सके। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश कर रही है। रोड है, उसे चौक नंबर 60 है, उसकी शिखरचंद जैन रहते हैं। वो आज सुबह जल्दी अपने मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। उनकी पत्नी और वो दोनों थे, पीछे उनका नौकर था। वो 3 साल उनकी उम्र है। तो तीन व्यक्ति उम्र लगभग 25-23 साल के हुए लेके आए। उन्होंने बताया कि सेठ जी ने हमारे को किसी काम से भेजा है लोहे के पाइप के संबंध में बात करनी। इस बहाने वो घर में घुसे, नौकर जो उन्होंने कपड़ा खींचा और उसके हाथ आगे के हाथ बांध दिए और उसके बाद में वहाँ से उनकी कमरे में से 3 लाख रुपए कुछ ज्वेलरी लेके।